सुशांत एक छोटे शहर से एक ड्रीम लेके निकला था और उसने 11 मूवी या जो भी काम किया उसमें उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। आज उसी तरीके का एक ड्रीम लेके हम लोगों के बीच में एक नौजवान पत्रकार है जो कि इंडिया के नंबर वन पत्रकार है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर, उनके लिए ताली हो जाए। इनका नाम है मनीष कश्यप, ये क्रांतिकारी पत्रकार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री से ज्यादा इनकी फॉलोअर है सोशल मीडिया पे। एक बार ताली हो जाए। और बहुत सारे पत्रकार मित्र हमारे हैं, हमारे भाई अभिषेक पांडे जी भी हैं यहाँ पे जो आए हैं। मनीष जी ऐसे ही छोटे जगह से निकल के आज भी गांव में जो उनका घर है वो आप समझिए कि जो खपड़े का घर होता है बिहार में जैसे बोलते हैं उस घर से हैं। और जो मुकाम इन्होंने पाया है, आप सारे जो यूथ, आप सारे जो नौजवान हैं, उनके कारण, उनके सपोर्ट से आज यहाँ पे हैं। और आज समझिए कि सुशांत के ट्रिब्यूट के लिए ये बिहार में कहीं अलग रिपोर्टिंग कर रहे थे और एक फ़ोन कॉल पे उन्होंने बोला कि नहीं ये बिहार की बात है और ये आए हैं। और हम लोग सबको गर्व होता है कि ये वहाँ से यहाँ पे पहुँच के उन्होंने अपना मुकाम, अपना नाम बनाया है। और जैसे सुशांत एक जर्नी को फील्ड के क्षेत्र में छोड़ गए हैं, उसी को मुझे लगता है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे लेके जाएंगे। ये हम सब लोगों का साथ उनको रहेगा, इनके लिए ताली होगा। यहाँ पे हमारे एक और पत्रकार भाई हैं अभिषेक पांडे जी, ये है तो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश और बिहार एक है। ये भी छोटे जगह से आके जहाँ भदोही से ये हैं, वहाँ पे जितने स्कूल, हर बच्चों का साल में निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, बॉम्बे में रह के भी ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ काम करें। और देखिए कि ये कितना अच्छा माहौल है कि समाज में एक दूसरे की मदद के साथ सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभिषेक भाई के लिए भी मैं चाहूँगा कि सब तालियां बजाए जोर से, और मैं चाहूँगा कि मनीष कुछ वर्ड बोले, फिर अभिषेक भाई, उसके बाद हम प्रोग्राम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो छोटे से गांव से सपना को अपने दिल में लेकर आगे बढ़ने वाला हर एक वो युवा जिसके जीवन में अगर इस प्रकार का हादसा हो जाएगा तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये भारत जो है उसे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग चलाते हैं, जिसे इलीट क्लास कहा जाता है, VIP क्लास कहा जाता है। उसमें एक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस भारत को चलाते वो लोग हैं, बनाते वो 95% लोग हैं जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब तबका से बिलोंग करते हैं, गाँव से आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। जरूरी दोनों की है भारत को, वो 5% जो भारत को चलाते हैं और वो 95% जो भारत को बनाते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अगर कानून लिखा था तो वो दोनों के लिए बराबर लिखा था। जो 5% लोग अमीर लोग हैं, अडानी की भी जरूरत है, अंबानी की भी जरूरत है, राहुल गांधी की भी जरूरत है, मोदी की भी जरूरत है, तो सुशांत सिंह राजपूत की भी जरूरत है। अगर उन लोगों को इंसाफ मिल सकता है, उन लोगों की बातें हो सकती है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत को क्यों नहीं इंसाफ मिल सकता है? सुशांत सिंह राजपूत की बातें क्यों नहीं होती है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम के पीछे अगर कपूर लगा रहता, गांधी लगा रहता, अंबानी लगा रहता, अडानी लगा रहता, मोदी लगा रहता, तो शायद जो है अगर इनका कोई अपराधी पुलिस को नहीं भी मिलता तो दसकों को पकड़ के पुलिस जेल में डाल दिया होता कि यही है अपराधी, लो भारत के लोग अब शांत हो जाओ। सही है कि नहीं है? लेकिन पूरे भारत के लोगों को पता है कि आखिर दोषी कौन है और किस वजह से इन्होंने आत्महत्या किया या हत्या हुआ, जो भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनका हत्या हुआ और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इन्होंने आत्महत्या किया, जो भी है वजह सबको पता है, लेकिन सजा नहीं मिला। मैं अपने बारे में यहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इनको इंसाफ दिलाने के लिए बोलूंगा। भैया का फोन आया मेरे पास और भैया ने बोला क्या व्हाट्सएप चेक कीजिए। मैंने चेक किया तो 2 फ्लाइट का टिकट था, जो सच है वो मैं बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 2 फ्लाइट का टिकट था। भैया बोले कि 21 तारीख को कार्यक्रम है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, हम लोगों ने एक प्रार्थना सभा रखा है। बॉलीवुड में एक छोटा सा भी कलाकार
का अगर देहांत होता है किसी भी कारणवश, अगर बीमारी से या किसी भी कारणवश, तो उनके लिए प्रार्थना सभा रखा जाता है। सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ कलाकार, टैलेंटेड कलाकार, 11 फिल्म जिसमें से 7 फिल्म उनका ब्लॉकबस्टर था। पहला ही फिल्म, फर्स्ट फिल्म, जो क्रिटिक्स होते हैं उन्होंने भी सराहा था और फाइनेंशियल रूप से भी वो बढ़िया फिल्म था, काईपोचे। बिजनेस भी किया था, कमर्शियल भी था और 4.5 स्टार रेटिंग भी मिला था उस फिल्म को। शायद ही किसी स्टार के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसकी फर्स्ट फिल्म जो है कमर्शियली सक्सेसफुल हुई होगी और 4.5 स्टार रेटिंग भी मिला होगा। ये सुशांत सिंह राजपूत का वो फिल्म था काईपोचे। वहां से जब इन्होंने शुरुआत किया, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये तो गांव का लड़का है, सपना लेके मुंबई में कैसे स्टार बन सकता है, और उसके सपने को दफन कर दिया गया। आज अगर सुशांत सिंह राजपूत का सपना का दफन हुआ है, तो कल अगर गांव से कोई भी मुंबई महानगर में आता है, अपने टैलेंट को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसके सपना को दफन किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम न्यूज चैनलों को जिन्होंने देश में अनेकों टीआरपी वाला मुद्दा था उसको छोड़ के सुशांत सिंह राजपूत के पीछे बहुत दिनों तक लगे रहे। लेकिन मीडिया की भी मजबूरी होती है। आज मैं यहां पे हूं और मैं 365 दिन यहां पे नहीं खड़ा रहूंगा, इसी मुद्दे के लिए नहीं खड़ा रहूंगा। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी लिमिटेशंस है। बहुत सारे नेशनल न्यूज चैनल वाले लगे रहे, उनके साथ भी बुरा हुआ कि नहीं, उन लोगों को भी, बहुत सारे चैनल वालों के साथ लगे रहे वो लोग। मीडिया की कहीं गलती नहीं है। लोग बोलते हैं एक सेकंड के लिए मीडिया से नाराज हो जाते हैं, मीडिया से कहते हैं कि वो हमारा खबर को नहीं दिखा रहा है। अरे यार, उसकी भी मजबूरी है, उसकी भी लिमिटेशंस है। देश में अनेकों कोने में अनेकों घटना घट रहा है, वो एक ही घटना को पकड़ के नहीं बैठ सकता है। उसने जितना ईमानदारी दिखाना था, जितना सुशांत सिंह राजपूत के लिए करना था, उससे ज्यादा किया, दिखाया, लड़ा। अब उम्मीद है कि जो सपनों को सजा के जो है घर से निकलते हैं युवा, वो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाएंगे। और नील भैया को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि शायद पिछले जन्म के सुशांत सिंह राजपूत के जो है भाई थे, इसलिए जो है सच में जो ये करते हैं और जितना इन्होंने किया है काबिले तारीफ है। और जितना इन्होंने जितना ये लड़े हैं, इनके ऊपर FIR हुआ है। इन्होंने कोरोना के समय में, शायद आप लोगों को नहीं पता है, कोरोना के समय में, फर्स्ट कोरोना के समय में जब सख्त लॉकडाउन था, तो सुशांत सिंह राजपूत के वजह से जो है ये सलाखों के पीछे थे। जो हमारी भाभी बैठी है वहां पे, वो बोल रही थी कि अब बस यही देखना बाकी रह गया था। और ये सलाखों के पीछे, हालांकि अगले दिन ये निकल गए, ये बात सच है। अपना जो भी इनका गाड़ी है, दो दो तीन तीन गाड़ी है, वो बिहार पुलिस को इन्होंने दे दिया था। बिहार पुलिस को एक टैक्सी तक नहीं यहाँ पे मुंबई में मिल रहा था, ये बात सत्य है। बिहार पुलिस को दिया, ये लड़े, विधानसभा में इनके खिलाफ जो है प्रश्न उठा, नवाब मलिक से जैसे बहुत सारे नेता जो है इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन ये लड़ते रहे। आज मैं चाहूं तो यहाँ पे खड़ा होकर बोल सकता हूँ मेरा कपड़े का घर है, मैं घर तब तक नहीं बनवाऊंगा जब तक बिहार नहीं बदलेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। आज मैं जिस कार्यक्रम के लिए आया हूँ उस पर बात करूंगा। एक तो सुशांत सिंह राजपूत और एक नील भैया, अगर ये नहीं होते तो शायद मैं इस मुहिम से नहीं जुड़ पाता और मैं अपने चैनल के माध्यम से जहां से भी हो इनके जन्मदिन के अवसर पे और जिस दिन इनकी हत्या हुई थी उस दिन जो है मैं 2 वीडियो करके चला देता। लेकिन अब मैं जुड़ा हूं, दिल से जुड़ा हूं इनके वजह से। और ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए। ये बिहार से हैं लेकिन शुद्ध हिंदुस्तानी हैं, बिहार से हैं लेकिन शुद्ध हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने राज्य को भूल जाएं, ये अपने राज्य को भी नहीं भूले हैं और बिहारी भी हैं। बिहार का कोई भी व्यक्ति आता है तो मुंबई में मदद करते हैं। और मैं पहली बार मुंबई आया था तो मुझे अगर किसी ने सबसे पहले मैसेज किया था तो वो नील भैया थे, और सबसे पहले मैं किसी से मिला था तो मैं इन्हीं से मिला था। आप लोग देखते हैं कि एक आदमी सफल हो गया, लेकिन उसके सफलता के पीछे अनेकों लोगों का हाथ होता है। शायद मैं मुंबई में हमेशा आता हूं, चीखता हूं, चिल्लाता हूं, शाहरुख खान के बंगले के सामने से या किसी भी कलाकार के बंगले के सामने से मैं आसानी से वीडियो बना लेता हूं। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे लोग पीछे खड़े रहते हैं। जब मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के पीछे इतने सारे लोग खड़े हो सकते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो तो बिहार का ही नहीं, पूरे देश का जो है एक टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड कलाकार था, तो क्यों नहीं हम लोग खड़े होते हैं।
बच्चों के साथ गलत होगा, दुर्व्यवहार होगा, उस समय जो है आप लोगों के पास आंसू के सिवा कुछ नहीं रहेगा, उनके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। आज ये दिव्यांग टीम है सामने, ये लोग हैं, इन लोगों को भी इंसाफ चाहिए। यहाँ पे जो किनको इंसाफ नहीं चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, लेकिन हम सब मिलके अगर सबके लिए प्रयास करेंगे तो हम सबका भारत जो है वो सच में महान बन जाएगा। लेकिन हम लोग इंडिविजुअल अपने लिए सिर्फ प्रयास करेंगे तो हमारा भारत जो है सिर्फ नेताओं के भाषण में महान रहेगा। सच्चाई ये रहेगी कि हमारे भारत को हर दिन लूटा जाएगा और हर दिन किसी ना किसी के साथ नाइंसाफी होगी। तो उम्मीद है कि आप सभी प्रयास करें। मीडिया अपना कर्तव्य निभा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप लोग मीडिया को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ मुद्दे में हम लोग गलती करते हैं, हम लोग उन सिचुएशन में निष्पक्ष नहीं रहते हैं कुछ लोगों के नजर में अगर देखे तो, लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उम्मीद है कि देश के लोग कर्तव्य निभाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नीलोत्पल भैया जैसे वो सभी लोग खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।